आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं बजाज मैक्सिमा कार्गो एक्सएल सीएनजी के बारे में। अगर आपका बजट कम है और आप एक थ्री व्हीलर कार्गो तलाश कर रहे हो तो बजाज का मैक्सिमा कार्गो एक्सएल सीएनजी आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन बन जाता है। 6 फीट की डेक लेंथ के साथ में ये गाड़ी आती है जिसमें आप अधिक से अधिक सामान लेकर चल सकते हो। इस वीडियो में बजाज मैक्सिमा कार्गो एक्सएल सीएनजी के कैश और फाइनेंस प्लान के बारे में बात हम करेंगे और साथ ही हम इसके फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। मैक्सिमा कार्गो एक्सएल सीएनजी प्लस पेट्रोल दोनों ऑप्शन के साथ में ये आता है। इसमें 6 किलो का सीएनजी टैंक मिलता है और पेट्रोल टैंक मिलता है 2.5 लीटर का। अगर मैं बात करूं ये 1 किलो सीएनजी पर कितना चला जाएगा तो ये 1 किलो सीएनजी पर लगभग 45 किलोमीटर तक का एवरेज निकाल देता है। बाकी डिपेंड करता है आप इसमें कितना लोड लेकर चल रहे हो। 18% की ग्रेडेबिलिटी इसमें मिल जाती है जिसके कारण ये चढ़ाई वाले रास्ते पर बेहतर परफॉर्मेंस निकाल देता है। 236.2 सीसी का इंजन इसमें मिल जाता है जो 7.45 किलोवाट की पावर देता है @ 5000 RPM पर और टॉर्क देता है 16.5 न्यूटन मीटर का @ 3750 RPM पर। बैटरी की बात करें तो इसमें 32 AH की बैटरी मिल जाती है। इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में बात हम कर लेते हैं तो इसमें 2274 mm का लंबा व्हील बेस मिलता है जिसके कारण ये गाड़ी रोड पर चिपक कर चलती है। चौड़ाई है इसकी 1494 mm की, लंबाई है 3434 mm की, ऊंचाई है 1832 mm की, 195 mm की ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिल जाती है जिसके कारण ये खराब रास्ते भी आराम से पार कर लेता है। कर्व वेट यानी कि खाली गाड़ी का वजन है 562 किलोग्राम का। अब हम इसके पेलोड के बारे में बात कर लेते हैं तो ये 400 किलोग्राम की पेलोड की पासिंग के साथ में आता है लेकिन ले जाने वाले इसमें 1 टन तक का लोड आराम से लेकर चले जाते हैं। फाइनेंस के बारे में बात हम कर लेते हैं। डाउन पेमेंट इस पर होगी 30,000 रुपए। EMI आपकी बन जाएगी 10,695 की 36 महीने यानी कि 3 साल के लिए। लोन अमाउंट आपका निकल कर आएगा 2,80,000 रुपए का। रेट ऑफ इंटरेस्ट लग जाएगा इस पर 12.50% का। बाकी डिपेंड करता है आपका सिविल कैसा है। अधिक जानकारी के लिए आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इस तरह की वीडियो की जानकारी मिल सके। आपसे मिलता हूँ आने वाली अगली वीडियो में। आपका समय अच्छा रहे। धन्यवाद।